So let's understand what's blood pressure. Now, when you talk about blood pressure, it is a pressure which is exerted by the blood on the walls of the blood vessel. So, if you underline it, please make sure you underline this part. The pressure exerted by the blood, क्योंकि हर बारी जब ब्लड फ्लो होता है, इट्स लाइक अ कंटिन्यूस फ्लो, राइट? सो देर इज ऑलवेज अ प्रेशर विथ एवरी सिस्टॉलिक एक्शन, राइट? सिस्टॉल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड पंप होता है, राइट? सो एवरी टाइम इट इज पंप, देर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर. जब रिलैक्स होता है तो भी ब्लड फ्लो हो ही रहा होता है, राइट? तो इसलिए हमारे पास हमेशा दो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट आता है. कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं सिस्टॉलिक प्रेशर, और हार्ट के रिलैक्सेशन के टाइम में जो प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं डायस्टॉलिक प्रेशर. सो इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ योर ब्लड प्रेशर, सो सिस्टॉलिक प्रेशर डिवाइडेड अपॉन बाय, दैट्स हाउ यू राइट इट. सो यू हैव टू मेजर बोथ, ओके? सिस्टॉलिक प्रेशर अपॉन डायस्टॉलिक प्रेशर गिव्स यू द प्रॉपर ब्लड प्रेशर. सो ऐसा नहीं होता कि वन रीडिंग है, इट हैज़ टू बी बोथ. यू शुड नो when your heart is contracting how much pressure it is coming, and when your heart is relaxed how much pressure is being shown. So it should be in an average. This is the general, that's 120 by 80 mmHg. Okay, so what is 120? That is when your heart is contracting. Contract ho raha to bahut speed mein aata hai blood, right? To pressure zyada hoga. When it is relaxing, it's 80. It is always like this. When there is a change in this pressure, matlab jab 120 by 80, this is a normal blood pressure, right? 120 by 80. Jab iske andar change ho jata hai, that means it becomes 140 upon 90, or 140 changes into 180 upon 120. This is a case when you have to take little extra care about your health, right? ये कब होता है? जब बहुत ज़्यादा salt खाते हैं, बहुत ज़्यादा oily चीज़ खाते हैं. So this actually creates a problem called as hypertension, right? Now you know what is blood pressure? You know how to write a blood pressure? Systolic upon diastol, SP upon DP, that gives you the blood pressure. You don't have to divide it. I'm sorry, I've used the word divide, but it's just the way of presentation. Systolic and diastolic, dono ko ek saath likhte hain, mmHg ke form mein. So you should be knowing, jab 120 upon 80 mein se changes aa jate hain, right? To hum usko bolte hain malfunctioning. Just read this line. Deviation from normal blood pressure indicates malfunctioning of heart. Okay, malfunctioning means heart में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. अगर ये 120 से नीचे जाता है, मतलब ये हुआ 90 upon 60, ऐसा कोई measure नहीं है, but 120 से नीचे गया 90 upon 60, तो इसको हम बोलते हैं hypotension, मतलब BP low हुआ, राइट? और अगर 120 से 140 और 90 गया तो हम बोलते हैं बीपी हाई हुआ, तो हाइपरटेंशन बोलते हैं. और अगर 140 से 90 की जगह इट जंप्स टू 180 बाय 120, दिस सेज दैट पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन. सो फॉर यू, यू विल जस्ट गो टू पेज 175 एंड रीड हाइपरटेंशन लिटिल मोर. ओके, व्हाट यू हैव टू लर्न? What are the organs that gets damaged during hypertension? आपका हार्ट बता रहा है, उसकी रीडिंग आ रही है 180 by 120. So you should be knowing there are certain organs that are getting damaged. It's your heart, it's your brain and even kidney. These three things get damaged when there is hypertension. Now let's understand what are the causes. क्यों होती है मॉल फंक्शनिंग, और यू कैन से द माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, वाई द हार्ट शोज डिफेक्ट, वॉट आर द कॉजेज ऑफ, सो यू कैन राइट दिस क्वेश्चन द, वॉट आर द कॉजेज ऑफ द डिफेक्ट्स इन योर हार्ट. सो सबसे पहला कॉज है आर्टीरियल इन इलास्टिसिटी, मतलब जो आर्टरी होता है
उसके अंदर जब ब्लड आता है तो आर्टरी हैज़ टू शो वेव लाइक पैटर्न, जिसको हम बोलते हैं, हम लोग अपने आर्टरीज़ को टच करते हैं तो पल्स फील करते हैं ना, तो वेव लाइक पैटर्न है, इसीलिए हमें फील होता है. सो फ्लेक्सिबिलिटी आर्टरी की जब लूज़ हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है अगर आपकी आर्टरीज़ के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है वॉल्स में, आर्टरी की वॉल्स में, तो वो हार्ड हो जाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी ख़राब हो जाती है. सो दैट इज़ कॉल्ड आर्टीरियल इन इलास्टिसिटी. नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू द मीनिंग, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. हार्डनिंग ऑफ आर्टरी मतलब जब आपकी आर्टरी हार्ड हो जाती है. लेट्स गो फॉर अ मिनट टू द प्रीवियस टॉपिक. यहाँ देखो, इस तरफ ये आर्टरी का डायग्राम, लेट्स फोकस ऑन द आर्टरीज डायग्राम. जब आर्टरी के ट्यूनिका मीडिया रीजन, राइट, ट्यूनिका मीडिया रीजन है, इसके अंदर अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हमारे खाने के ऊपर होता है, हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, सो अगर यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है तो जो आर्टरी की लेयर है वो हार्ड हो जाती है, आर्टरी की जो वॉल्स है वो हार्ड हो जाती है. सो हार्डनिंग ऑफ द आर्टीरियल वॉल इज कॉल्ड एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. ओके, व्हाट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस? इट इज हार्डनिंग ऑफ आर्टरी वॉल. अब क्यों है वो, आई हैव टोल्ड यू, कैल्सिफिकेशन. इसका बहुत सारा कारण है, या तो एज 50 से अबव होगा, और देर कैन बी सम अदर कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, यू नेवर नो, राइट. सो नेक्स्ट कारण, नेक्स्ट रीजन व्हाई योर हार्ट मैलफंक्शंस, इट इज़ द डिपोजिशन ऑफ द फैट, जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. पहले वाला था आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, अब ये है एथेरोस्क्लेरोसिस. सो इन आवर बॉडी द आर्टरीज व्हेन दे स्टार्ट हैविंग डिपोजिशन, जम जाता है. क्या जम जाता है? यू शुड बी लर्निंग दोज थ्री वर्ड्स, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं फैट, एंड फाइब्रस टिश्यू. इट गेट्स डिपॉजिटेड. डिपॉजिशन से क्या होता है, जो पाथवे है ल्यूमन छोटा हो जाता है. सो ब्लड को जो जाना धीरे 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 हमारे खाने के हिसाब से, हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से, जब वो बढ़ता जाता है, दैट कॉसेस अ हार्ट अटैक. So you've seen what is atherosclerosis, when there is deposition of fat and certain fibrous tissues. Fat, kaun sa specially? Cholesterol. Okay, when they get deposited inside the blood vessel, the flow of blood hamper ho jata hai, flow of blood nahi ho pata proper jaisa hona chahiye. Dheere 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 wo jo clot hota hai, wo jo you know, the waste that is accumulated, they get sticked on to the walls, and then slowly slowly blood ka passage rok dete hain, jiske wajah se is condition ko bolte hain atherosclerosis. So obviously blood nahi jayega, to it is going to cause or we can say it will obstruct oxygen supply, no? So that is again another bad effect that is showing deviation. मतलब आपका ब्लड प्रेशर चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं देर इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस हैपनिंग. ओके, वी हैव डिफरेंट टेस्ट बाय विच यू कैन फाइंड आउट वेयर एग्जैक्टली इट इज़ देयर. आई विल शो यू अ फ्यू थिंग्स हाउ वी डू द ट्रीटमेंट एंड ऑल, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, यू बहुत सारी छोटी छोटी क्वेश्चन आएंगी इसके अंदर, यू हैव टू लर्न. ओके, कौन कौन सी कारणों की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, यू शुड बी लर्निंग. नंबर वन, कुछ या तो इंसान, किसी इंसान को किडनी इश्यूज भी हो सकते हैं, इससे भी होता है, राइट. दे कैन बी सम इमोशनल प्रॉब्लम, लाइक मे बी द पर्सन इज डिप्रेस्ड या द पर्सन इज ओबीस, हार्मोनल चेंज होता है. सो ये सारी कारण होती हैं. सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू वॉन्ट टू कीप योर हार्ट हेल्दी, मेक श्योर यू हैव एन एक्टिव लाइफ.
अब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड अपॉन दिस, 120/80 का मतलब क्या है, 90/60 का मतलब क्या है, या 140/90 का मतलब क्या है, और डायरेक्टली दे विल आस्क यू 180/120. यू कैन जस्ट रीड हाइपरटेंशन. ओके, सो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर बीपी, दैट ऑल्सो यू शुड बी लर्निंग. दिस इज़ अ क्वेश्चन. वॉट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो कि आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है? दे आर कार्डियक आउटपुट, मतलब हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इन टू द हार्ट रेट जो आता है वो भी अगर कम हो गया, दैट ऑल्सो कॉजेस हार्ट फेलियर. देन पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाना, इज कॉल्ड एज पेरिफेरल रेजिस्टेंस. देन ब्लड वॉल्यूम का चेंज हो जाना. Then the length and diameter of blood vessel when changes because of viscosity, blood की viscosity, कई बारी blood हमारे खाने के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा thick हो जाता है तो flow becomes very slow. Okay, that causes very low BP also sometimes. So age is also a factor. Gender is always a factor because what is observed, ladies before menopause, they will always have low BP, but after its menopause starts, they'll have high BP. They'll say ki abhi hamara to BP low hai, we don't mind, we can have enough of salt and pickles and everything. But it is based on the gender also, it makes a big difference, okay? Then venous return, how much blood comes back. Kya hota hai? Vein ke andar pumping area nahi hota, but walls hote hain, right? तो जो वेन्स होते हैं आपकी पैरों की वेन्स हैं, आप मैक्सिमम टाइम खड़े रहते हो. लेट्स से योर प्रोफेशन इज आस्किंग, लेट्स टॉक अबाउट अ नर्स. उनके प्रोफेशन में हमेशा उन्हें खड़े रहना पड़ता है, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे. वेनस रिटर्न कम होता है, मतलब वेन्स रिटर्न जो लेके आती हैं गंदे ब्लड को, दैट मीन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो कम होता है तो ब्लड की क्वांटिटी कम होती है. सो दैट ऑल्सो कॉजेस heart problem. If there is improper sleep, emotions, there are variation in emotion, if you are depressed, if you have some anxiety problem, or if you are not doing any exercise, these are also cause of your deviation in heart function. Ek normal insan ka cardiac output hona chahiye around 5 liters in a minute. So that has to be with systol and diastol. We are measuring with systol and diastol. So you have to remember this part. Now another question that comes is from this paragraph. Bahut common hai. Ye wala part aap read karna. I'm not just going to do everything. Let's say how to measure a blood pressure. If you have to measure a blood pressure, we'll just check out. Let's watch this video. Today we are going to demonstrate the manual auscultatory technique of BP measurement. इसके लिए हमें दो इंस्ट्रूमेंट यूज करने होते हैं, पहला स्फिग्मोमैनोमीटर एंड सेकंड वन इज स्टेथोस्कोप. स्फिग्मोमैनोमीटर कैन बी ऑफ टू टाइप, एनरोइड मीटर और द मर्करी कॉलम मीटर. नाउ व्हेन पेशेंट केम टू आवर ओपीडी और वी आर एट होम, फर्स्ट मेक द पेशेंट 5 मिनट रिलैक्स. रिलैक्स होने से वो कंफर्टेबल होगा और उसका बीपी वैल्यू नॉर्मल मेजर हो सकेंगी. नाउ एक्सपोज हिज आर्म एंड अप्लाई द कफ बाय रैपिंग अराउंड हिज मिडिल थर्ड ऑफ द आर्म. ध्यान रखना है आपको आर्म का मिडिल थर्ड पोर्शन यूज करना है फॉर द रैपिंग ऑफ कफ. नाउ यू कैन एस्टिमेट द टाइटनेस ऑफ कफ बाय यूजिंग योर इंडेक्स फिंगर. आप अपनी इंडेक्स फिंगर इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं टाइटनेस ऑफ द कफ. इट शुड बी एडिक्वेटली टाइटन, नीदर टू मच टाइटन नॉर टू मच लूज. Now, first palpate the brachial artery of the patient. Brachial artery को palpate करने के लिए हम use करेंगे the elbow line. Elbow line के पास हमें brachial artery मिलेगी. Now place the diaphragm of the stethoscope over this artery and you will be able to hear the sound of the pulse. Now you have to inflate the cuff by using the pump of बल्ब. ऑल्सो फ्रेंड्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ द नोब. आपको नोब इस टाइम पे टाइट रखना है. 160 या 180 mmHg तक आपको अपनी रीडिंग को ले जाना है और स्टॉप कर देना है. दिस विल स्टॉप द ब्लड फ्लो ऑफ द पेशेंट. नाउ वी हैव टू रिसर्कुलेट द ब्लड
for the measurement of BP. For this, we start the deflation. अब हम deflate करने के लिए knob को loose करना start करेंगे by the 2 to 3 mmHg passing of air. So friends, when the blood begins to flow, the first sound heard is Korotkov sound, mark it as the systolic BP. जी हाँ, सबसे पहली जो sound आपको सुनती है, it is the transition from the phase 0 to the phase 1 of Korotkov sound. Korotkov sound is divided into 5 levels. So the first level is marked as systolic BP. Okay. जो हमारा normal range होती है 120 mmHg. यू जस्ट सॉ द वीडियो. बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि बीपी का जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, व्हाट डू यू कॉल इट, ओके, सो यू विल बी लर्निंग द नेम. इट्स कॉल्ड अ स्विग्मो मैनोमीटर, राइट? स्विग्मो, इट्स नॉट पीएच, ओके? पीएच को एफ की तरह करेंगे तो स्विग्मो मैनोमीटर. सो दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस आर देयर, यू हैव टू नो. वन इज़ द रबर बैग, which is called as the cuff, which is covering the hand. मतलब आपके hand के near the elbow region you're placing it, which is connected to the mercury manometer. This is the mercury manometer, right? This is the cuff. During measurement, the person is asked to always lie down. अब इस video में they've said sitting is the best position, but always. ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम टेलिंग यू. एवरी टाइम यू टेक अ यू नो बीपी मेजरमेंट, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग. अगर आप बैठ के लोगे तो अलग आएगा, लेट के लोगे तो अलग आएगा. सो द बेस्ट टाइम, और वी कैन से बेस्ट रिलैक्स्ड फॉर्म इज़ द स्लीपिंग पोजिशन, बिकॉज योर हार्ट इज़ नॉट वर्किंग. जस्ट अ सेकेंड. Your heart is in a relaxed mode, तो आपको proper measurement मिलता है. So when you are placing this instrument, ये हमेशा heart के level पे place किया जाता है. So क्या किया, सबसे पहले हाथ के around tightly wrap किया cuff को, and once the cuff is wrapped tightly, you use the pumping bulb. You have that rubber bulb here, no? This one. इससे हमने प्रेशर क्रिएट किया. वी आर जस्ट पंपिंग द एयर इन टू द कफ. तो जो हाथ का रीजन था ये, दिस वॉज योर हैंड, इसके ऊपर बांधा था आपने कफ, तो दिस विल बी फिल्ड विथ एयर. सो एयर फ्लो इसके अंदर पूरा हो जाता है, फिल हो जाता है, राइट? बिकॉज ऑफ विच जो यहाँ पे आर्टरी थी जो ब्लड लेके आ रही थी, यहाँ पे टाइट हो जाता है, राइट? दिस इज़ योर आर्टरी. यहाँ पे ब्लड का फ्लो रुक जाता है बिकॉज यहाँ के कफ ने क्या किया है, आपका ब्लड फ्लो स्टॉप कर दिया. इसी टाइम स्टेथोस्कोप को यूज़ करेंगे हम, यहाँ रखेंगे तो धीरे धीरे जिस फ्लो में ब्लड आएगा, इट इज़ गोइंग टू गिव अस डिफरेंट डिफरेंट पेस. जो पहला साउंड हमें सुनाई देता है, पहले तो बिल्कुल साइलेंस आ जाएगा. जो पहला साउंड आता है उसको हम बोलते हैं Korotkov साउंड. Korotkov साउंड, दैट इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, Korotkov, जिनके वजह से ये एक्चुअली ही हैज़ डिस्कवर्ड हाउ टू यू नो चेक द ब्लड प्रेशर एंड ऑल. सो जो पहला साउंड आता है वहाँ से मेजरमेंट शुरू हो जाता है. यू कैन सी इन दिस मैनुअल, जो मैनोमीटर होगा आपका उसमें ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड इट समवेयर अराउंड 120 फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ़ द मर्कुरी. मर्कुरी मीटर जब ऊपर नीचे करेगा वो स्टेबल हो जाएगा फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. सो दैट वुड बी योर सिस्टोलिक प्रेशर. एंड आफ्टरवर्ड्स इन फ्यू सेकेंड्स यू विल गेट द डायस्टोलिक. फिर से जो मर्कुरी का मूवमेंट होगा वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा. देन यू अंडरस्टैंड दैट इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर. सो ये क्वेश्चन बहुत बार ही आता है, द साउंड हर्ड आफ्टर द बीपी मशीन इज अटैच टू द हैंड विद द टाइट प्रेशर, सो दैट इज कॉल्ड एज Korotkov प्रेशर. ओके, दैट इज जनरली आस्क्ड. सो इन जनरल दिस इज हाउ यू मेजर द ब्लड प्रेशर यूजिंग द मशीन कॉल्ड एज स्विग्मो मैनोमीटर. सो इट्स नॉट जस्ट स्विग्मो मैनोमीटर, यू नीड स्टेथोस्कोप ऑल्सो फॉर चेकिंग द
हार्ट बीट, यू हैव हर्ड द बीटिंग साउंड राइट. वो बीटिंग साउंड जब रुक जाता है, द फर्स्ट साउंड इज कोरटकॉफ्स, उसके बाद जो साउंड आता है जब रुक जाता है, पल्स करता है, इट विल बी शोइंग यू वेरिएशन. सो दैट विल हेल्प अस इन रिकॉर्डिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन, विच यू कैन जस्ट रीड, आई हैव एक्सप्लेन व्हाइल एक्सप्लेनिंग द टॉपिक. देन कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर भी मैंने आपको बता दिया एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट एंड फाइब्रस टिश्यू इन द ब्लड वेसल, जिससे कि आर्टरी के ल्यूमेंस छोटे हो जाते हैं. देन वॉट इज एंजिना पेक्टोरिस, एंजिना पेक्टोरिस का मतलब होता है जब ब्लड की सप्लाई हार्ट में कम हो जाती है. किस वजह से? इट कैन बी बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस और इट कैन बी बिकॉज ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है जिसके वजह से देर विल बी सीवियर पेन इन द चेस्ट. और ये जो पेन है ये चला जाएगा अगर आप रिलैक्स करोगे. एंड दिस इज नॉट हार्ट अटैक, ओके, दिस इज अ पेन दैट इज टेलिंग यू दैट हार्ट के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ है. सो वेन यू रिलैक्स, अब पता कैसे चलेगा ये एंजिना पेक्टोरिस है? सो देर आर सर्टन सिम्टम्स, द पेन, यहाँ से रीड करेंगे नेक्स्ट फाइव लाइन्स. द पेन में स्प्रेड टू द नेक, लोअर जॉ, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर. ओके, ये हुआ कैसे? क्योंकि आपने ज़्यादा एग्जर्ट किया होगा, हार्ट ने ज़्यादा काम किया होगा और हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई होगी, तब जाके वो पेन फील करता है. सो दिस वॉज एंजिना पेक्टोरिस. वॉट इज एंजिना पेक्टोरिस? पेन इन द चेस्ट ड्यू टू रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई. देन वी हैव ECG. इसके बाद वाला टॉपिक है एंजियोग्राफी, हार्ट ट्रांसप्लांट एंड साइलेंट हार्ट अटैक, जो आपके सिलेबस में इस साल नहीं है. विल डायरेक्टली गो टू ECG. एग्जाम में ECG के क्वेश्चंस कैसे आते हैं यू शुड बी नोइंग. दे विल आस्क यू द ग्राफ, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ. थ्री मेन ग्राफ्स आर देयर, पी वेव, QRS एंड द टी वेव. वॉट इज द फंक्शन ऑफ दीज वेव्स? सो दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड. आई हैव माई नेक्स्ट लेक्चर, आई एम गोइंग टू जस्ट अटैच इट टू इट. ओके, एक जनरल नॉलेज के लिए यू शुड, आई जस्ट शो यू वन. Here in this image, you can see on the chest certain electrodes are placed. तो अगर ECG recording करना है, यहाँ पे this lady is recording ECG on the computer, it is attached. तो ECG recording करने के लिए it's a machine जो कि electric wave, जो आपका heart electric wave भेजता है, right? We have done conducting system, no? तो जो electric wave भेजता है उसको capture करने के लिए वी हैव सर्टन electrodes, डिफरेंट electrodes आर used, जो कि पोजिशन किए जाते हैं. कई बारी पैरों पे भी पोजिशन करते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने सारे electrodes चेस्ट पे पोजिशन किया हुआ है. एंड इवन ऑन द आर्म्स दे आर पोजिशनड, बट इन दिस जनरल वे सिमिलरली यू कैन से 6 electrodes आर पोजिशनड, दे आर पेस्टेड, और वी कैन से दे आर यू नो positioned in such a way that the heart shows the conduction. Jaise hi heart ka conduction aata hai, it is captured and it is captured in the graph form, jisko hum bolte hain QRS complex, or we can say normal ECG complex. We have three levels of waves. One is P wave, then QRS wave and the T wave. So in teenon ka alag alag meaning hai, right? So question comes, what is ECG? It is electrocardiogram, right? So what does it do? With this, you can find out the detect, or we can detect the problems or defects inside the heart, or even how the heart is functioning. So we can actually find out what is the function of ECG, question aayega. So you should be able to do it from page 176, figure 8.26 ke niche it is written. What is the function of ECG? To detect or diagnose abnormality in conducting pathway. Enlargement of heart agar hua hai, chamber mein, heart ke chambers mein koi bhi defect hai, ya the cardiac muscle is not working properly, if the blood supply is also reduced to the cardiac muscle, wo bhi hume in waves ki taraf, agar hum achhi tarah observe karenge how these waves are showing, that will help us in learning. क्योंकि देर इज़ ऑलवेज अ टाइम इंटरवल. हम लोगों ने पढ़ा है कार्डियक
आउटपुट का टाइमिंग, कार्डियक साइकिल का टाइमिंग, राइट, 0.8 सेकेंड. सो दैट विल बी कैलकुलेटेड. सो टाइम अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सो एक्स एंड वाई ग्राफ में बनता है. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट, डोंट वरी अबाउट इट. वी हैव, आई हैव जस्ट नेक्स्ट वीडियो इन विच आई हैव अपलोडेड ECG और एक्सप्लेन किया है मैंने. सो जस्ट वॉच दैट ऑल्सो.